नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि माँ के पेट में बच्चा किस तरीके से और किस हिसाब से किस किस महीने में क्या उसका विकास होता है। इस हिसाब से मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि पहले महीने में क्या बनता है, दूसरे महीने में क्या बनता है, तीसरे महीने में क्या बनता है, अंत में नवे महीने तक बनते हुए होते होते क्या क्या बनता है, तो किस प्रकार से डिलीवरी होती है, इन सभी बातों को मैं आज लेने वाला हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले महीने से। तो पहले महीने में क्या होता है कि जिस समय अंडे में शुक्राणु घुस जाता है, तो वो घुसने के बाद उसकी एम्ब्रियो आकर के गर्भाशय में अटैच हो जाती है। एम्ब्रियो का मतलब होता है उसकी अंडा, वो जो होता है वही आकर के उसमें गर्भाशय में आकर के जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद उसी में दो तीन सप्ताह तक प्रेग्नेंट हो जाने पर उसमें जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, वहीं पर चिपके चिपके वो अपना विकास करता रहता है। लेकिन इस दौरान माँ को पता नहीं लग पाता है। चौथे सप्ताह में जा कर के जब या तो उसके मासिक धर्म का समय निकल जाता है या फिर प्रेगा न्यूज आदि से उसको जब जानकारी लेती तब उसे पता लगता है कि प्रेग्नेंट है। तो इस प्रकार से उसे पता लगता है और उसका गर्भाधान हो जाता है। और पहले महीने में क्या होता है कि अंडा केवल बढ़ता है, एक पानी की थैली में वह पैक होता है और वो पानी की थैली में पैक होने पर वहीं पर चिपका रहता है, बढ़ता रहता है धीरे धीरे। और वो प्लीसेंटा उसमें बढ़ती रहती, जिसको प्लीसेंटा का मतलब गर्भनाल कहते हैं, तो उसी प्लीसेंटा से क्या है कि उसको शिशु को जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वो वहीं पर उसी से लेता रहता है या उसी से सब कुछ होता रहता है। और इसी से क्या है कि इसी समय मेरुदंड आदि धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका होता है, उसी समय बनना लग जाता है। चेहरे का एक गोल आकार गेंद जैसा अलग निकल आता है, जैसे मेंढक का होता है कि आगे मोटा गोल गोल होता है, पीछे पूंछ जैसी ऐसे ही बन जाता है। और बनने के बाद चेहरा जैसा एक सिर जैसा अलग दिखाई पड़ने लग जाता है। और इसके बाद उसमें आँखें जैसे छोटे छोटे छिद्र जैसे दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और उन्हीं छिद्र से क्या होता है कि वो काले काले दिखने लग जाते, उसी से समझ में आ जाता कि हाँ यहाँ पे आँखें बनेंगी। और उसमें उसी समय उसके निचले जबड़े गला आदि अलग अलग थोड़ा सा विभाजित होने लग जाता है, रक्त कोशिकाएं भी बनने लग जाती। इसी महीने में इसका हृदय भी बनना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत में ये 65 बार धड़कता है और यह लगभग इस समय बच्चे की लंबाई 1.1/4 इंच होती है, माने छोटा सा होता है, चावल के दाने के बराबर दो सूत का। तो ये इस प्रकार से ये होता है। अब दूसरे महीने में किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। दूसरे महीने में उसके चेहरे के कई अंग बनने लग जाते, जैसे नाक का उभराना, और इसमें थोड़ी छोटी सी पूंछ भी होती है, लेकिन जो फिर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती है। और इसी में नरम नरम हड्डियाँ मुलायम मुलायम सी बनने लग जाती, हाथ थोड़े थोड़े अलग होने लग जाते हैं उससे। और इसके बाद कान का हल्का सा छेद जैसा बनने लग जाता है, उंगलियां और हथेली आदि सब धीरे धीरे उसमें बनना शुरू होता है इसी दूसरे महीने में। पाचन तंत्र भी इसी महीने में बनना प्रारंभ हो जाता है। और सिर पर पूरे शरीर बड़ा होता है, सिर जो होता है पूरे शरीर से सिर थोड़ा बड़ा होता है। और ये धीरे धीरे इसका विकास करना शुरू हो जाता है। तीसरे महीने में आते आते पैर की उंगलियां धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती हैं। इसी में नाखून, कान, प्रजनन अंग भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है।
और इसी महीने में हर अंग बन जाते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे और थोड़ा थोड़ा काम भी करने लग जाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 इंच की हो चुकी होती है और वजन लगभग 28 ग्राम का होता है और इसके बाद धीरे धीरे बन जाता है। जब तीसरा महीना का अंत हो जाता है तो ये सारे अंग पूरी तरह से बन जाते हैं और पूरा काम भी करने लग जाते हैं। अब चौथे महीने में क्या होता है इसके बारे में बता दूँ। चौथे महीने में दिल की धड़कन अब सुनी जा सकती है टेक्नोलॉजी की सहायता से, इतने इसका विकास हो चुका होता है और उंगलियों पर भी नाखून आ जाते हैं और उंगलियां थोड़ी मजबूत हो जाती है, साफ एकदम बन जाती हैं और नाखून बन जाते हैं, हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं और पलकें भौंहें आदि बनना प्रारंभ हो जाता है। और इसी महीने में पलकें भौंहें आदि बनना शुरू हो जाता है और इसी महीने से सोनोग्राफी आदि करके उसके लिंग का पता भी लगाया जा सकता है और उसके पहले लिंग वगैरह बनना प्रारंभ 3rd महीने से ही हो जाता है और पता लगाया जा सकता है और जिससे पता लग जाता है या लड़का है या लड़की। लेकिन ये पता लगाना भारत में ये सब गैर कानूनी है, ऐसा कराना कानून के विरुद्ध है तो इसलिए नहीं कराना चाहिए। और इसी में थोड़ी थोड़ी जम्हाई लेने लग जाता है और चेहरे का आकार थोड़ा सा बदलना, जैसे कि सोते हुए में भौंहें समेटना, आँखें समेटना आदि आदि सब चालू हो जाता है और प्रजनन अंग इतने बन जाते कि मतलब आसानी से देखा जा सकता है। तो इस सोनोग्राफी आदि से इसको देखा जा सकता है। इसकी लंबाई 6 इंच और इसका वजन 113 ग्राम से 120 ग्राम तक होता है। अब पाँचवें महीने में क्या है कि इसका थोड़ा थोड़ा इधर इधर मूवमेंट करना शुरू कर देता, थोड़ी हलचल करता, हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता, जिससे माता अनुभव भी करती है, वो बड़ी खुश होती है कि देखो हमारा बच्चा हिल रहा है। और इसी महीने में बाल भी उगने शुरू हो जाते, रोएं भी बनने शुरू हो जाते हैं। इसका वजन 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम के बीच में होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच होती है और लेकिन इसकी त्वचा जो होती है इस समय पारदर्शी होती है। पारदर्शी त्वचा होने से इसकी नसें भी दिखाई पड़ती हैं, गुलाबी से धीरे धीरे लाल में कन्वर्ट होती हैं जिससे मजबूत हो जाती हैं और भौंहें और घने होने लग जाते हैं, होंठ स्पष्ट रूप से बन जाते हैं और आँखें पलकें आदि बंद होने पर भी इधर उधर घूमती रहती हैं क्योंकि उस समय पलकें बंद होती हैं, एकदम चिपकी होती हैं, लेकिन अंदर फिर भी आंखें घूमती रहती हैं, इधर उधर घुमा सकता है। और इसके इसमें हलचल भी होती है, लेकिन अगर जो बाई चांस 5 महीने तक हलचल ना हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में महिला को कभी हलचल नहीं सुनाई भी पड़ती, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन वो 6ठे महीने में जा कर के निश्चित ही सुनाई पड़ती है, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। 6ठे महीने में सुनाई पड़ेगी, इसके लिए प्रतीक्षा करें अगले महीने की, निश्चित सुनाई पड़ेगी। अब 6ठे महीने में क्या क्या बनता है। 6ठे महीने में क्या होता है कि त्वचा में झुर्रियाँ हल्की हल्की पड़ना शुरू हो जाती हैं। झुर्रियाँ का मतलब माथा समेट ले तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएँ आदि आदि, ये ऐसी झुर्रियाँ पड़ जाती, लेकिन त्वचा पारदर्शी होती है, इसमें नसें भी दिखती हैं अभी भी और हाथ पैर की उंगलियाँ पूरी बन चुकी होती हैं। और इसी महीने में पलकें अलग अलग होना शुरू हो जाती, जो आपस में चपकी होती धीरे धीरे जब अलग हो जाती हैं तो इसके धीरे धीरे आवाज़ के प्रति थोड़ा रुझान होता है, आवाज़ पर थोड़ा सा ये इसको असर होता है तो आवाज़ भी ये धीरे धीरे सुनना शुरू कर देता है। और इसी महीने में माँ की आवाज़ को सुनना प्रारंभ कर देता, पहचानना भी शुरू कर देता है। इस समय इसका वज़न लगभग 1 किलो 100 ग्राम से लेके 1 किलो 300 ग्राम तक का होता है। लंबाई लगभग 15 इंच की होती है और इसमें हड्डियां केवल मजबूत हो रही होती हैं, अंग तो सभी बन चुके होते हैं और काम
सब अपना अपना करने लगे होते हैं। अब इस बच्चे को केवल बढ़ने की और वजन बढ़ाने की और परिपक्व होने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ बन चुका है। सातवें महीने में क्या होता है कि इसमें भौहों के बाल वगैरह विकास करते हैं, पलक भी बनती हैं, और ये केवल इस समय अपना विकास ही करता है। इसमें आँखें खोल भी सकता है, बंद कर सकता है, और अगर टॉर्च लगाई जाए गर्भाशय के बच्चे के पेट पर, यदि माता की टॉर्च लगाई जाए तो बच्चा हिले डुलेगा, माने वो टॉर्च की रोशनी को देखने का प्रयास करता है, और इसमें बाल कुछ कम हो जाते हैं, पहले ज़्यादा होते हैं फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और चर्बी भी इसमें बढ़नी शुरू हो जाती है। चर्बी से क्या है कि जो झुर्रियाँ पड़ गई थी वो कम हो जाएंगी, और जो त्वचा पारदर्शी थी वो पारदर्शीपन ख़त्म हो जाएगा, और जो लाल लाल हो रहा था, त्वचा लाल हो रही थी, वो और तेज़ी से होने लग जाती है, और इसमें हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, लेकिन हड्डियाँ आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, और इसमें क्या है कि खोपड़ी की हड्डियाँ अभी तक वे कभी नहीं जुड़ती हैं जन्म तक। वे तो क्या है कि जिस समय जन्म लेता है बच्चा, उस समय वे हड्डियाँ आपस में सिकुड़ के बाहर निकल आता, फिर बाहर आकर के हड्डियाँ जुड़ती, तो इसमें देखा भी गया है कि पिलपिलापन सिर में रहता है, तो उससे क्या है कि हड्डियाँ वे जुड़ी नहीं होती हैं। अब अगला जो है आठवां महीना में क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। आठवें महीने में क्या होता है कि इसका वज़न लगभग 2 किलो 300 ग्राम से लेके 2.5 किलो तक का होता है, और 18 इंच की लंबाई होती है। अब यह केवल वजन बढ़ाएगा, और वजन बढ़ाते लगभग 25 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन प्रतिदिन बढ़ाता रहता है, और इसी महीने में सर भी नीचे हो जाता है, और कभी कभी यह आठवें महीने के बिल्कुल अंत में जाके सर नीचे होता है, जो कि डिलीवरी के लिए बड़ा ही नॉर्मल होता है, और ये आदर्श यही स्थिति होती है। तो इसी समय मतलब सर भी नीचे हो जाता है, और जो पानी की थैली थी तो उससे कुछ पानी कम हो जाता है, जिससे बच्चे को जगह मिल जाती है, और पानी कम होना शुरू हो जाता है, वह आवश्यकता भर रहता है, लेकिन क्योंकि उसके पोषण में ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो इसलिए थोड़ा बना रहता है, बाकी सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद नवें महीने में क्या होता है बताता हूँ। नवे महीने में इसका पूरा विकास जब हो चुका होता है, तब इसका वज़न लगभग 2 किलो 700 ग्राम से 3 किलो तक हो जाता है, और बच्चा पूरे का पूरा बन करके तैयार हो जाता है, और इसी समय माता को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाए तो जैसे ही टाइम हो जाता है पूरा, सोई आवि आती। आवि का मतलब होता है बच्चे के जन्म देने के समय की पीड़ा, पानी की थैली आदि फटती है और उसमें फिर जन्म का पूरा प्रोसेस अंदर शुरू हो जाता है, तो इसको आवि बोलते हैं। तो ये आवि प्रारंभ हो जाती है, और इसी समय फिर तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से उसका जन्म दिया जाता है, और जन्म देने के बाद फिर ये बच्चा परिपूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।